नई नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिलन हिंदुस्तान और मैं आपके साथ अंशिका पांडे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख केस में आंतरिक जांच रिपोर्ट लीक करने के मामले में CBI ने अपने ही अफसर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सब इंस्पेक्टर रैंक के अफसर अभिषेक तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने लोगों से अवैध तरीके से रिश्वत ली और साथ ही अनिल देशमुख के वकील के साथ संपर्क में रहने का भी आरोप लगा है। इससे पहले CBI ने बुधवार को अनिल देशमुख के वकील को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी और इस मामले में CBI ने अपने सब इंस्पेक्टर, नागपुर के एक वकील और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ रिश्वत समेत कुछ आरोपों में मामला दर्ज किया है। CBI प्रवक्ता RC जोशी ने बताया कि सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है और वकील से भी पूछताछ की गई है। इसके अलावा अभिषेक तिवारी के इलाहाबाद और दिल्ली स्थित ठिकानों पर भी CBI ने छापेमारी भी की है। बताया जा रहा है कि वकील को मुंबई स्थित अनिल देशमुख के घर से हिरासत में लिया गया और इतना ही नहीं बल्कि अनिल देशमुख के दामाद गौरव चतुर्वेदी से भी पूछताछ की गई, हालांकि उन्हें बाद में छोड़ भी दिया गया। दरअसल कथित तौर पर पिछले सप्ताह अनिल देशमुख मामले में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को कई सोशल मीडिया और मैसेंजर प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया था। इसमें अधिकारियों द्वारा कहा गया था कि अनिल देशमुख के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनाया जा सकता है, साथ ही प्रारंभिक जांच को बंद करने की सिफारिश भी की गई। हालांकि CBI ने अनिल देशमुख और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में FIR दर्ज की थी। तो ये थी बुलेट हिंदुस्तान की खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बुलेट हिंदुस्तान के साथ।